नमस्ते। आज हम बनाएंगे मैंगो रबड़ी। इसके लिए हमें चाहिए 1 लीटर दूध, 1 केसरी आम के पीसेस करके रखे हैं हमने, और 150 ग्राम मावा और आधी कटोरी शक्कर, यानी करीबन 150 ग्राम शक्कर लगेगी। अब हम ये दूध को उकालने के लिए रख देंगे। ये दूध को हमें फुल आंच पे थोड़ा कम गैस कम ज़्यादा करते रहना पड़ेगा और इसे बासुंदी बने तक उकालना पड़ेगा। करीबन आधा घंटा इसे लगेगा और बीच बीच में इसे हिलाते रहना पड़ेगा ताकि ये चिपके नहीं। देखिए, अब दूध इतना गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें शक्कर मिलाएंगे और सिर्फ शक्कर गोले तक के 5 मिनट चलाएंगे और उसके बाद गैस बंद करके इसे आधा घंटा ठंडा होने देंगे। उस तब तक के आम की प्यूरी बना लेंगे और मावा फेंट के इसमें मिक्स कर। अब ये दूध निवाया सा हो चुका है। अब इसमें हम मावा मिलाएंगे जो हमने मैश कर लिया है, और ये मैंगो पल्प बिना पानी का मैंगो के पीसेस करके इसको पीस लिया और जूस की चटनी से छान लिया है। देखो इस तरह कैसे ये जूस की चटनी से छान के रख लिया है हमने। और ये अब पूरा इसमें डाल के अब इसे हम हैंड मिक्सी की सहायता से मिक्स करेंगे। इस तरह के से ठीक हो चुका है। हमने इसे हैंड मिक्स से फेटा है इसलिए सब मिक्स हो गया है। अब इसे 1 से 2 घंटे फ्रिज में रखेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए और उसके बाद इसे सर्व करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।